ये उन दिनों की बात है। मैं ना रात में तुझे हल्दी वाला दूध बना के दूंगी, फिर देखना। हाँ हाय मम्मी, हल्दी वाले दूध से दिल की चोट कैसे ठीक होगी? दिल की चोट मतलब? दिल की? नहीं नहीं, मैंने तो कहा दिन की। दिन की चोट रात में कैसे ठीक होगी? पान छूट ना बुलाए बेटा, तुझे पता नहीं है हल्दी की दूध ना चुटकियों में बड़ी से बड़ी दर्द को भी यूं ठीक कर देता है। चलो जल्दी जल्दी काम निपटा, चित्रहार चालू होने वाला है। मम्मी आपको पता है एक नए हीरो की फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम क्या है? दीवाना। दीवाना, भगवान झूठ ना बुलाए, देखना गोल्डन जुबली जाएगी ये फिल्म। हाँ मम्मी कहानी भी एक से एक है। अच्छा तो ठीक है, एक काम करना, अलमारी से तू 20 रुपए ले लेना, कल आते वक्त इस फिल्म का कैसेट लेते आना। हाँ दिन रात सुनेंगे हम। हाय मम्मी थैंक यू। वाकई उस दिन भगवान ने चाची जी से झूठ नहीं बुलवाया था। 1992 में की गई चाची जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। शाहरुख खान की दीवाना सुपरहिट हुई और वो सुपरस्टार बने। खैर एक तरफ फिल्मों में शाहरुख खान का जन्म होने वाला था और दूसरी तरफ मेरा सलमान यानी मेरा प्रेम यानी मेरा समीर जाने की सुलझन में उलझा हुआ था। मैंने सोचा था उससे मिलके खुशी खुशी गाऊंगी दीवाना तेरा नाम रख दिया, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे दीवाना कम पागल कहने का ज्यादा मन कर रहा था। हाँ बच गए। तुझे पता है मैं समीर से सिर्फ प्यार ही नहीं करती, उसे समझती भी हूँ। तो प्लीज मुझे भी समझा दे उसका मूड क्यों खराब है और दिमाग भी। 2 दिन में ठीक हो जाएगा उसका मूड भी और दिमाग भी। ऐसे कैसे? तू वो पटेल महाविद्यालय में और समीर वीजेएन में, मिलोगे नहीं तो बात किसे बनेगी। बोलो बेटा। चाचा जी वो बेटा जमा नहीं करवाए? चाचा जी वो मुझे वीजेएन में एडमिशन लेना है। नैना तुम क्या करने से आ रही हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? जी चाचा जी मुझे पता है कि पटेल महाविद्यालय अहमदाबाद का बेस्ट कॉलेज है, पर चाचा जी अगर मैं वहां गई तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। स्वाति प्रीति काम्या मुन्ना पंडित अगर मैं इनके बिना उस कॉलेज में जाऊंगी तो मेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, और मैं बचपन से आज तक इन्हीं के साथ तो पढ़ती आई हूँ और मैंने हमेशा टॉप किया है। मैं वीजेएन में भी अच्छे ही नंबर लाऊंगी। यकीन कीजिए चाचा जी मेरे दोस्त मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है, और मैं अपनी दोस्ती और अपनी पढ़ाई दोनों एक साथ संभाल सकती हूँ। नैना मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन नैना तुम भावनाओं में बह रही हो और इसलिए मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब होने नहीं दे सकता। कबीर का वो दोहा है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मुझ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगने से ही कुछ मिलता था, कभी भगवान जी से तो कभी चाचा जी से। चेना मित्र दुख होइन, दुखारी तीन ही विलोकट पाटक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। तुलसी दास जी कहते हैं, बोल रही हूँ, जो मित्र के दुखी होने से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को
सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। इन्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ कहा आपने? पहले मुझे लगता था दोनों ये सच्चे मन से पूजा करते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि जैसे ही भगवान के सामने जाती हैं, जल्दी कुछ ना कुछ मन से फरमाइश निकलने की जरूरत आती है। सहदे वस्तु पूजाया नकुलो त्रिव्य साधने। लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक्का पका रहे दोनों ये। बिल्कुल ठीक पहचाना था चाचा जी ने। हाँ पहचानते क्यों नहीं, आखिर वो मेरे चाचा जी जो थे मुझे अच्छे से जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे झाड़ू लगाते वक्त घर की ओनर अच्छे से जानती है कि कौन से कोने में कितनी धूल है। अब देखना जैसे पूजा की थाली यहाँ लेके आएगी ना, कुम्हार फिर आके कुछ ना कुछ जरूर मांगेगी। चाचा जी। हाँ वो तुम पूजा कर रही थी तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, जीते रहो। नैना मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तेरा कॉलेज कहाँ मेरा कॉलेज कहाँ? वही तो, अगर एक ही कॉलेज में पढ़ते तो साथ आते साथ जाते, रिक्शे का भाड़ा भी बच जाता। हाँ लेकिन अब अलग कॉलेज है तो तेरे नोट्स अलग मेरे नोट्स अलग, अगर मैंने किसी दिन छुट्टी मार दी होती और अगर हम सेम कॉलेज में होते तो फिर तेरे नोट्स तो मैं भी ले सकती थी। हाँ वही तो, एक ही कॉलेज में होते तो कितनी कम परेशानी होती ना। तू भी वीजेएन में एडमिशन ले रहे ना बहन, प्लीज। अब वैसे भी तूने अभी तक फीस तो भरी ही नहीं है। चाचा जी अगर मैं भी वीजेएन में एडमिशन ले लूँ तो? नैना हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, तुम्हारा फॉर्म पटेल महाविद्यालय में जमा हो चुका है, सिर्फ फीस देने बाकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पापा अगर मैं कॉलेज में फेल हो गई तो? और मम्मी मम्मी आप ही तो हमेशा कहती है ना कि ये समझदार है, फिर अगर ये समझदार मेरे कॉलेज में नहीं होगी तो फिर? प्रीति बेटा तुम्हें कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाएंगे, नैना नहीं। लेकिन पापा मैं तो कॉलेज में बिल्कुल अकेली। कैसे बेटा, तेरे साथ तो तेरे कॉलेज में स्वाति काम्या हेमा सब है ना, फिर तू अकेले कैसे? मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, अगर किसी दिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई ना तो फिर मैं... ओ, जो लड़की खुद एक मुसीबत है पता नहीं वो किसी मुसीबत में कैसे पड़ेगी पागल। पापा प्लीज नैना की एडमिशन मेरे कॉलेज में करा दो ना। हाँ चाचा जी आखिर प्रीति के फ्यूचर का सवाल है ना। हाँ बोल दो ना पापा। बेला आई, देखा मैंने कहा था ना, सुना तुमने? क्या क्या? कुछ नहीं, कॉलेज शुरू होने में सिर्फ दो दिन बाकी है और अब तुम ये बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारे फ्यूचर का बहुत ख्याल है, और तुम अगर तुम क्लासेस बंक नहीं करोगी तो तुम्हें नोट्स मांगने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो फीस के पैसे जमा करवा देना, आज आखिरी दिन है, भूलना मत। चलो जमा कर देना। हाँ ये चाय आपकी। यार जिन्हें टेंशन हो रही है कहीं नैना वीजेएन में एडमिशन ना ले ले। अबे पागल हो गया है तू, इतने टॉप के नंबर आए हैं उसके, वो क्यों एडमिशन लेगी वीजेएन में? क्योंकि नैना को पता है कि मैं वीजेएन में ही हूँ। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नैना वीजेएन में आए। और क्या, इतने बढ़िया नंबर लाने के बाद भी उसके घर वाले उसे पटेल महाविद्यालय छोड़ के वीजेएन भेजेंगे? बात करता है। मुझे लगा था पापा मान जाएंगे, लगता है हमारे स्टाइल के बारे में पता चल गया। पता कैसे नहीं चलेगा, पिछले 3 साल से यही तो कर रहे हैं हम। कोई नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला बाद में ढूंढना, पहले इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ। बहन एक रास्ता तो है लेकिन
अगर फीस के पैसे खो गए तो? पागल है, कुछ भी बोलती है, कुछ सुन लेगा तो? तुझे याद नहीं है पापा ने क्या कहा था? आज फीस भरने का आखिरी दिन है, जबकि वीजीएन में परसों तक भर सकते हैं। अगर तुमने आज फीस नहीं भरी तो फिर मम्मी पापा को झक मार कर तेरी एडमिशन वीजीएन में करानी पड़ेगी। बोल। नहीं प्रीति, मैं हमें कौन सच में पैसे घुमाने हैं, बस कहीं छुपा देंगे और फिर एक दो दिन में कह देंगे कि मिल गए, है ना? हमें सिर्फ आज का दिन निकालना है। और अगर चाचा जी ने दूसरे पैसे दे दिए और कहा कि इन्हें 2000 रुपए हैं, वैसे भी हमारे घर पर 300-400 से ऊपर कभी होते नहीं है। बहुत डांट पड़ेगी प्रीति, चाटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन चाटों की टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी पड़ते ही रहते हैं। नैना देख, तू फिलहाल के लिए चाटों की टेंशन मत कर, सिर्फ चाचा जी के बारे में सोच, वो किस हालत में उसके बारे में सोच, उन्हें तेरी जरूरत है। मैं नैना से दूर रहूंगा, मुझे पता है कि मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन नैना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन एक कहावत का सही मायने समझ में आया, इश्क और जंग में सब जायज है। इश्क समीर से था और जंग जमीर से चल रही थी। होना क्या था, इश्क और जंग की लड़ाई में जीत इश्क की ही हुई। बस पौना घंटा और फिर फीस का काउंटर बंद। भगवान झूठ ना बोला है, 4:15 हो रहे हैं। मम्मी 4:15 हो रहे हैं तो उसमें भगवान जब झूठ क्यों बनवाएंगे? बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि फीस का टाइम हो रहा है। हाँ चाची जी, हम बस जा ही रहे हैं। बन जा ही रहे हैं मतलब? भगवान झूठ ना बोला है, कोई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? ये लो पकड़ो, बैग पकड़ो, चलो जाओ, निकलो, जाओ फटाफट, पर जाओ। प्रीति क्या करेंगे कुछ तो पता, मुझे नहीं पता, चल। मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर तेरा। मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर समीर भैया। देखिए हम आपके लिए दही बड़े बना के लाए हैं, लीजिए। भाभी दिल नहीं है। दिल नहीं है क्यों, किसे दे दिया दिल? अरे भैया हम तो मजाक कर रहे थे। समीर भैया कुछ हुआ है क्या, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो भाभी एक लड़की पीछे पड़ गई है। लड़की? अच्छा वो कौन वाली? भैया लड़कियां तो पीछे पड़ेंगी ना, सलमान खान जैसे जो दिखते हैं आप। आप मेरे काम करोगी? हम अब बस फोन करके उससे इतना पूछ लो किसने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्लीज प्लीज भाभी। चलिए ठीक है, लाइए नंबर मिला के दीजिए। लीजिए भाभी। नाम तो बता दीजिए। नैना। नैना
अच्छा नाम है। हेलो हेलो जी नैना है। आप कौन? हेमा हेमा जी हम हेमा। आवाज तो बड़ू जैसी लग रही है। वो गला खराब है ना आंटी जी, इसलिए। नैना तो घर पे नहीं है। जी कहाँ गई है? भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी सवाल करती हो तुम। अरे कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके साथ गई है, किस लिए गई है? तुम्हारे पास कोई उड़न खटोला है जो तुम उड़ के नैना के पास पहुँच जाओगी? तो मम्मी जी की तरह बोली जा रही है। पटेल महाविद्यालय गई है फीस जमा करने। अब खुश जी? काट दिया। क्या हुआ भाभी, क्या बोली वो, कुछ पता चला? कह रही थी कि नैना फीस जमा कराने पटेल महाविद्यालय गई है। हम पानी लेकर आते हैं। हाँ जी भाभी। प्रीति मुझे बहुत डर लग रहा है। तू टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी पापा को एक दो दिन में पैसे वापस कर ही देंगे। तू नमस्ते, नमस्ते। तो तू ज्यादा मत सोच, चल पक्का। हे भगवान, कभी फोन की घंटी कभी दरवाजे की घंटी, बस यही काम करती रहूं मैं। आ रही हूं। वापस क्यों आ गई? मम्मी नैना अपना पेन ले जाना भूल गई। क्या करते हो तुम दोनों भी, वैसे इतनी देर हो गई है, जल्दी करो। अच्छा नैना, तेरे लिए हेमा का फोन आया था। ये हेमा का फोन? हाँ, वो पूछ रही थी तेरे बारे में। मैंने तो आज बहुत डांटा उसे। अरे इतने सवाल कोई करता है भला? अब प्रीति पैसे कहाँ गए? क्या मतलब? मतलब पैसे इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए, मिल नहीं रहे। कुछ भी क्या कह रही है, दिखा मुझे। भगवान झूठ ना बोला बेटा, ठंडे दिमाग से सोच, तू कहीं रख के भूल गई होगी। हाँ नहीं चाची जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी में रखे थे, मिल ही नहीं रहे। चाची जी पैसे। प्रीति बेटा अंदर कमरे में ढूंढते हैं। फोन नहीं, जब बैग में रखे थे तो कमरे में कैसे होंगे? हाँ तेरी बात भी सही, एक काम कर बेटा, जाके सीढ़ियों में ढूंढ। चल 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 जा। जाना बेटा, तू भी मदद कर उसकी। नहीं लेकिन मदद करना जाके बेटा, काम चोर हो गई ये लड़की भी। आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? बोलती क्यों नहीं? गोंद की सीसी भी गई है क्या जो जबान चिपक गई है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ में आया? ताई जी वो उसकी गलती नहीं। गलती ना तेरी है ना इसकी, गलती हमारी है जो तुम दोनों को आजादी दी है। ओ भाई बताओ, 2000 रुपए कोई छोटी रकम होती है? पता है कितनी बड़ी रकम होती है? तेरे बाप की पूरे महीने की तनख्वाह होती है। सॉरी प्रीति, तेरे अजीजा जी के लिए क्या 1000 थप्पड़ खा लूंगी और मैं
मैंने तो पहले ही कहा था कि थप्पड़ खाने पड़ेंगे। अब इतनी कुर्बानी तो प्यार व्यार में देनी पड़ती है ना। कोई ना, जब मेरा वक्त आएगा कभी मेरे लिए मार खाएगी। तुमने देखा अलमारी में? पूरा घर छान मारा भाभी जी, पर कहीं नहीं मिला। बेला, एक ग्लास पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या हुआ, सब लोग इतना चुप क्यों बैठे? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। पैसे खोकर आई हैं आपकी लाडली। नैना, क्या हुआ, पैसे खो गए? आनंद, क्या हुआ आनंद? हुआ क्या, तमाशा हुआ है? आपकी लाडली बेटी 2000 रुपए गिरा के आई है कहीं? नैना, ताई जी क्या कह रही है, ताई जी क्या पूछ रही है, पैसे कहाँ है? जवाब देगी या ऐसे ही खड़े रहेगी? भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, बच्चे बड़े हो गए, अब रहने दीजिए ना, मैं बात करता हूँ। बड़े हो गए तो समझाओ। मैं बात करता हूँ, अब आप आइए यहाँ पे। बड़े हो गए, दिन आदत अब उठ जा रही है। नैना, कहाँ गए पैसे? हाँ प्रीति, उन दिनों एटीएम तो थे नहीं कि फटाफट 2000 रुपए निकाल लिए और इसी सुविधा की कमी का फायदा उठाना चाहते थे हम। पर सच कहूं, उस दिन समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद इतनी परेशान हुई, अपनी फैमिली को परेशान किया, प्रीति और मैंने मुफ्त के थप्पड़ खाए, किसके लिए? समीर की एक बेवकूफी के लिए। बस उस दिन मैंने ठान लिया था कि इसका बदला तो मैं समीर से जरूर लूंगी, और मैंने लिया भी। हाँ मेरे पास 1000 रुपए हैं। भाभी जी, आपके पास 1000 रुपए होंगे, मुझे नैना की फीस जमा करवानी है, अभी भी टाइम है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओ भाई, एक ढेला भी नहीं है मेरे पास तो। अरे आनंद बाबू, आप इसका पक्ष ले रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसे भी प्रीति के कॉलेज में दाखिला करवा दो, इसकी फीस भी 500 रुपए हमको भारी नहीं पड़ेगी। भाभी जी, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, पैसे सिर्फ उधार मांगे। कह दिया ना, ना मतलब ना, ना एक रुपया मैं दूंगी और ना तुम्हारे भाई साहब को देने दूंगी। सुन लो कान खोल के, अब कोई फायदा नहीं है जी, बहुत टेम हो गया है, देखिए ना दाखिला भी बंद हो गया होगा। उस वक्त मुझे अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था, अपने आप पे शर्म भी आ रही थी और खुद से नफरत भी हो रही थी। असल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। उस दिन तो मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब मैंने बरसों बाद ये बात चाचा जी को बताई कि बाथरूम में पैसे छुपाने का प्लान समीर के लिए था, तो हम दोनों खूब हंसे। आज भी हंसते हैं, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि मैंने जो कदम उठा लिया था उससे पीछे हटना तो नामुमकिन था ना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.